Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you in great health guys. So in this video we are going to predict 3rd June IELTS exam. So before we start the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the video guys. सो स्टार्टिंग पैसेज फर्स्ट इसमें हमारे पास आ सकते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एन फिलप बेस क्वेश्चन जो फिलप बेस क्वेश्चन होंगे वो टू वर्ड्स के रहेंगे गाइस सो so ये पैसेज मोस्ट प्रॉबली ये ईजी होगा सबसे ज़्यादा सो मेक श्योर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें एटलीस्ट टेन प्लस आपके सही हो ताकि आपका जो ओवरऑल रीडिंग का स्कोर है वो इंप्रूव हो ये पैसेज आपके स्कोर को इन्हांस कर सकता है बूस्ट कर सकता है तो मेक श्योर इसमें आप फोकस करके कम टाइम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर लेने की कोशिश करें मूविंग है टू द पैसर सेकंड इसमें हमारे पास आ सकते हैं फिलअप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं विद ऑप्शन फिलअप विद ऑप्शन उसके साथ हमारे पास आ सकते हैं विच पैराग्राफ कंटेंट्स विच इन्फॉर्मेशन एंड अगेन फिलअप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म कंप्लीशन तो ये कुछ कैटेगरीज रह सकती हैं इस दिन पैसे सेकंड में अगर हम पैसे थर्ड की बात करें तो हमारे पास आ सकते हैं एम सी क्यू बेस क्वेश्चन फिलअप्स एंड येस नो नॉट गिवन सो इस दिन काफ़ी ज़्यादा हमारे पास देखने को मिल सकते हैं फिलअप बेस्ड क्वेश्चन तो फिलअप बेस्ड क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें जैसे मैंने पहले पहले बताया कि पैसेज वन वो ईजी होगा पैसेज सेकेंड और थर्ड डिफिकल्ट होने वाला गैस सो उस हिसाब से आप अपनी प्रपरेशन करना अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए तो इस दिन जो लेवल रहेगा रीडिंग का वो रहेगा मॉडरेट गाइस तो थोड़ी मुश्किल रहने वाली है इस दिन सो अपनी प्रपरेशन काफ़ी अच्छे से करके जाएं और पैसेज वन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश भी करें मूविंग है टू द लिसनिंग मड्यूल इन पार्ट वन यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एज यूजल आते हैं फिलअप बेस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे वन वर्ड और वन नंबर सो so, हमारे पास कोई नंबर भी आ सकता है जहाँ वन वर्ड का फिलअप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इन पार्ट टू हमारे पास आ सकते हैं सिलेक्शन ऑफ लेटर्स मैचिंग टाइप क्वेश्चन तो ये कैटेगरी रह सकती है पार्ट टू में अगर हम पार्ट थ्री की बात करें तो हमारे पास आ सकते हैं एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड मैचिंग टाइप क्वेश्चन पार्ट फोर एज यूजल हमारे पास रहेंगे फिलअप बेस्ड क्वेश्चन जो रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ समरी कंप्लीसन तो ये कैटेगरी रहने वाली है गाइज लिसनिंग की अगर लिसनिंग की ओवरऑल लेवल की बात करी जाए तो इस दिन जो लेवल रहेगा वो रहेगा ईजी टू मॉडरेट गाइज अगर स्पीड की बात करें तो जो लिसनिंग रहेगी जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट रहेंगे उसमें जो स्पीड रहेगी लिसनिंग की वो नॉर्मल पेस ही रहेगी बट पार्ट थ्री और फोर में जो स्पीड होगी वो थोड़ी तेज़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा तेज भी थोड़ी सी तेज़ होगी सो तो उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करके जाना गाइज सो मूविंग है टू द राइटिंग टास्क वन इसमें हमारे पास टेबल पाई एंड बार तो ये तीनों कैटेगरीज आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है पर सो so इन पर अच्छे से फोकस करें सो मूविंग है टू द राइटिंग टास्क वन इसमें हमारे पास आ सकते हैं टेबल पाई एंड बार तो ये तीनों कैटेगरीज आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो इन पर फोकस करें अगर राइटिंग टास्क टू की बात करें तो हमारे पास आ सकते हैं डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन उसके साथ साथ आ सकते हैं आउट वे वाली कैटेगरी एंड ओपिनियन बेस्ड ऐसे तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं इस दिन तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस दिन के लिए सो so, इन टॉपिक्स की ज़रूर प्रैक्ट, प्रैक्टिस करें और जो भी आइडियाज़ हो गए इसके रिगार्डिंग उसको जनरेट करें ताकि आप ईज़िली अपना एग्ज़ाम में इसको लिख पाएँ जो फर्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला वो है रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन टूरिज़म तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है इसको ज़रूर कवर करें जो सेकंड टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एजुकेशन तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ऑनलाइन ऑफ़लाइन एजुकेशन आ सकती है इसमें स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं अब रोड पढ़ने जाते हैं तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नेक्स्ट इज़ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स तो हेल्थ एंड स्पोर्ट्स को भी जरूर कवर करें मिस आउट ना करें और इसको प्रैक्टिस करें उसके रिगार्डिंग जितने आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं करें ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सोशल ईशूज़ तो जितने भी सोशल ईश्यूज़ होते थे उसके रिगार्डिंग आप ऐसे की प्रैक्टिस करें सो so, कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ आपको कोई दिक्कत ना हो एंड द लास्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है जो काफ़ी बार आ भी जाता है एग्ज़ाम में सो so इसको ज़रूर कवर करें मिस बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें सो so, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस दिन के लिए सो so इनको ज़रूर प्रिपेयर करें गाइज सो दैट्स इट गाइज़ ये थी हमारी प्रोडिक्शन थर्ड जून के लिए सो so, ऐसा कुछ एग्ज़ाम इस दिन आ सकता है सो मेक श्योर आप अच्छे से प्रेपरेशन करें और अच्छे से अच्छे बैंड लेने की कोशिश करें सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस सो डोंट फॉर गेट टू द थम्स अप एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर एंड गुड लक फॉर प्रिपरेशन गाइस थैंक यू